अलादीन के सीजन 4 में जफर कैसे होने वाले हैं, क्योंकि अलादीन के सीजन 1, सीजन 2.5 एंड सीजन 3 में जफर के अलग अलग रूप दिखाए गए। जैसे जैसे अलादीन के सीजन आगे बढ़ते गए, जफर भी और खतरनाक से खतरनाक होता गया। एक टाइम पे तो ऐसे रूप दिखाए गए जिसको देखकर हम खुद हैरान रह गए। तो हो सकता है अलादीन के सीजन 4 में जफर को कुछ ऐसे दिखाया जाए जो हमने पहले कभी नहीं देखा हो, क्योंकि बखूबी आप जानते हैं कि सिद्धार्थ निगम ने कुछ टाइम पहले कहा था कि का सीजन 4 कुछ हटके होने वाला है। अलादीन के पूरी जर्नी में हमने कुछ ऐसे ऐसे जफर के रूप्स देखे हैं जिनको देख के हम खुद शॉक हो गए। और अलादीन की एंडिंग पे तो हमने कुछ ऐसा देखा था कि जफर इतना खतरनाक हो गया था कि उसने अलादीन को ही यास्मीन एंड उसकी अम्मी से लड़ा दिया। वेल, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि जफर अलादीन के सीजन 4 में आएगा ही नहीं, एंड बहुत सारे लोगों के ये सवाल मन में चलता है क्या आएगा या नहीं, क्योंकि स्टोरी लाइन के हिसाब से देखा जाए तो अलादीन ने अलादीन की एंडिंग पर जफर को मार दिया था। अब बहुत सारे लोग कुछ ऐसे कहते हैं कि अलादीन का सीजन 4 जफर के बगैर ही आएगा। मैं आपको कहता हूं कि एक टाइम पे आप ये सोच के देखिए कि अलादीन के सीजन 1, सीजन 2.5 एंड सीजन 3 में अगर जफर ना होता तो शो कैसा होता। अब पूरे अलादीन के शो से जफर को निकाल दें, जफर का कैरेक्टर निकाल दें तो शो कैसा होगा। जी हाँ, बिल्कुल भी वो मजा आएगा ही नहीं जो कि हमें जफर के साथ आया, क्योंकि एक शो में जितना इंपॉर्टेंट उसका विलन होगा उतना इंपॉर्टेंट शो होगा, एंड जितना खतरनाक विलन होगा उतना ही खतरनाक आपको हीरो को भी दिखाया जाएगा। हीरो से ज्यादा शो को विलन हिट बनाता है। तो अलादीन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जैसे कि सिद्धार्थ निगम अलादीन के रोल में, आमिर दलवी जफर के रोल में एंड उसी के साथ यास्मीन एंड उसी के साथ जीनू, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ये शो में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर बात आती है कि जफर का रूप ये कैसा दिखाएंगे, तो आपको बता दूं कि जैसे जैसे शो की स्टोरी लाइन आगे बढ़ती रही हमने देखा जफर कितना खतरनाक दिखाया गया, और अब तो ये अलादीन को बहुत बड़े पैमाने पर ला रहे हैं। तो सोचें कि जफर का रूप किस तरह से होने वाला है, वो कितना खतरनाक हमें दिखाया जाएगा, ये अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज भी मैं YouTube पे जफर के डायलॉग्स निकाल के सुनता हूँ। लेकिन सारी बात आती है शो की स्टोरी लाइन पे, कि शो की स्टोरी लाइन जिस तरह से होगी उस तरह से ही आपको विलन दिखाया जाएगा। अगर स्टोरी लाइन थोड़ी खतरनाक होती है तो उतना ही खतरनाक विलन भी होगा, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हो सकता है शो का मेल विलन जफर ना हो, लेकिन जफर आपको जरूर दिखाया जाएगा। तो आप लोग जफर के बारे में क्या कहते हैं कि जफर कितना खतरनाक होना चाहिए, उसका रूप कैसा होना चाहिए, जफर का कॉस्ट्यूम कैसा होना चाहिए, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, हमें नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर दें।